हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आप देख रहे रेलवे गेमिंग और अजब गजब ट्रेन्स का एपिसोड नंबर 11। अगर आपने नहीं देखा है पिछले 10 एपिसोड्स अजब गजब ट्रेन्स के, तो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे सेम ट्रैक्स पे तीन ट्रेन्स आ जाएंगी। आज का जो शेड्यूल है काफ़ी मतलब बहुत बिजी है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये चीज़ हुआ। और हम लोग जो ये जो हमारा लोकेशन है, ये है बैंडल जंक्शन, बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। मोस्ट ऑफ आप लोगों ने से मोस्टली बहुत जन ने सुना होगा, और जो मेरे भाई लोग ईस्टर्न साइड में रहते हैं वो तो सुने ही होंगे। और ये जो सामने जो लोकल ट्रेन आ रही है, ये शायद सियालदह डानकुनी EAMU है। ये आके सीधे लूप लाइन पे घुसेगी जहाँ तक मेरे को लगता है, और साइड में एक साइन बोर्ड भी है, लोको पायलट स्टॉप हेयर। और ये जो रूट है वो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो रूट है न्यू रूट जो आया है पटना टू पुरी, वो न्यू रूट में मैं ये खेल रहा हूँ, बैंडल जंक्शन है उसमें। अगर आपने नहीं खेला है तो आपको ज़रूर खेलना चाहिए, बहुत ही अच्छा रूट है। और ये जो लोकल ट्रेन साइड पर घुस रही है, ये शायद 12 कोच वाली एमू है, टोटल 12 कोचेस है इस एमू की। मौसम वगैरह बहुत ही साफ है, और अभी टाइम हो रहा है 12:05। बैंडल जंक्शन का जो स्टेशन बोर्ड है वो देखिए सामने, और ये जो ट्रेन है वो रुक गई। और अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है, एक ट्रेन तो आ ही गई और अभी दूसरा आता है कि नहीं वो भी देखते हैं। कुछ देर बाद ये देखिए एक और ट्रेन आ रही है, मे बी कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, और इसका जो लोको है जहां तक मेरे को लगता है ये WAG5 है, WAG5। पास में आने दीजिए तब तक पता चल ही जाएगा, और आप लोग तब तक गेस करो ये कौन सा लोको है, तब तक आप लोग गेस करो और सामने आने के बाद तो देखेंगे। बहुत लंबी ट्रेन है, मे बी 24 को जिसका होगा। और जिस लाइन से लोकल ट्रेन आई है तो उसी लाइन से आ रही है, और अभी देखते हैं ये कौन से ट्रैक्स पे जाती है। बहुत स्पीड से आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देखिए ये तो लेफ्ट वाले ट्रैक्स पे ही आ गई जहाँ पे लोकल ट्रेन गई थी, और इमरजेंसी ब्रेक्स से लोको पायलट ने इसको रुकवा दिया। क्योंकि सेमी ट्रैक्स पे कुछ देर पहले एक लोकल ट्रेन आई है, मैंने आपको दिखाया था, वो जो सियालदह डानकुनी वाला EMU है वो इसी ट्रैक्स पे आई थी। ये देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये सेम यही वाला ट्रैक्स पे वो EMU आई थी, वो देखिए वहाँ पे दूर पे खड़ी है। तब हम लोग राइट साइड पे खड़े थे, राइट साइड पे खड़े होकर देख रहे थे, और अभी हम लोग थोड़ा लेफ्ट साइड पे आ गए हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तो सेम ट्रैक्स पे जो अभी तो दो दो ट्रेन्स आ गई, और ये पता नहीं इसको मे बी कोई सिग्नल रॉन्ग मिला होगा इसके चलते कि यहाँ पे ये आ गई, और इसे अभी वो देखिए एक और ट्रेन आ रही है। यार सेम ट्रैक्स पे तीन तीन ट्रेन, जैसा कि मैंने कहा यार गजब है यार, मैंने नहीं देखा, सच में नहीं देखा मैंने गेम में। वैसे भी गेम में कुछ भी पॉसिबल है, और ये रियल वर्ल्ड में भी ये हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, मैंने वीडियोस में देखे है कि एक ही ट्रैक्स पे तीन ट्रेन्स आ जाती हैं,
तो ये जो लोकल ट्रेन है ये भी हमारे जो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है उसी ट्रैक्स पे ये आने वाली थी, लेकिन उस ट्रैक्स पे पहले से एक लोकल ट्रेन खड़ी है और उसके बाद ये एक्सप्रेस ट्रेन आई है और इसके लिए जगह नहीं है तो इसको अभी लूप लाइन पे कर दिया गया। और ये शायद बैंडेल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाके रुकेगी। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाके रुकेगी। ये देखिए, हाँ तो मैं कह रहा था ये जो हमारा लोकल ये है वैग 5A, WAG 5A, दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, रुकिए। और ये जो लोकल ट्रेन है ये भी जाके वहाँ पे रुक जाएगी, ये भी शायद 12 कोचेस के ही हैं विथ 4 मोटर कार्स। तो इसने ब्रेक्स मारना चालू कर दिए और ये रुक गई अभी। और अभी जो है कुछ देर बाद जो लोकल ट्रेन हम इस ट्रेन के सामने थी वो अभी डिपार्ट हो चुकी है और अभी शायद ये वाली ट्रेन भी यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। देखिए ब्रेक्स रिलीज करने का साउंड आया, हेडलाइट्स भी ऑन हुआ। तो फाइनली डिपार्ट कर चुकी है ये ट्रेन। ये है WAG 5A टाटा नगर का, टाटा नगर सेट का ये लोको है। ये देखिए टाटा नगर लिखा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लिवरी है। और देखो सामने जो वो लोकल ट्रेन खड़ी थी हम इसके ट्रैक्स पे वो जा चुकी है और अभी इसकी बारी है वहाँ पे जाके रुकने की। ये ट्रेन शायद 24 कोचेस के हैं और एड्स काफ़ी लगे हुए हैं जैसे कि होते हैं रियल वर्ल्ड में भी। इसमें अल्ट्राटेक और एयरसेल का एड लगा हुआ है और अभी एसी कोचेस जा रहे हैं। यार क्रॉसिंग्स पे ट्रैक साउंड्स बड़े मस्त आते हैं, मतलब जहाँ से स्प्लिट होता है एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक, जहाँ से स्प्लिट होता है वहाँ से ट्रैक साउंड्स बड़ा मस्त आता है। सुनाई दे रहा होगा आपको ट्रैक साउंड अच्छे से। सामने क्रॉसिंग है ना इसलिए इतना अच्छा ट्रैक साउंड आ रहा है। और ये जो ट्रेन है अभी वहां पे जाके रुक जाएगी। देखिए ब्रेक्स का साउंड यहाँ तक आ रहा है। तो फाइनली वो जो ट्रेन है वहाँ पे रुक गई। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक ठोक दो और अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि इस चैनल पे ऐसे अजब गजब ट्रेन के वीडियो मिलते रहेंगे। ओके गाइस, फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।